ये मैंने वैसे कोई काम कराया नहीं कि भाई आफ्टर मार्केट कोई सस्ता काम करा लिया, किसी कोई भी गाड़ी लेगा अपने आप खुद काम कराएगा अपनी मर्जी का अपनी तसल्ली का। जो गाड़ी की भाई मेरी तरफ से डिमांड है वो है अराउंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत आपका जतिन ऑटो वर्ल्ड में। तो जैसे कि आज देख रहे हैं कि आज हमारे पास टाटा एल्ट्रोज है और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि भाई टाटा एल्ट्रोज ऑन सेल है। और जो इसमें मतलब कि ये है एक्सी वेरिएंट है, लो मॉडल जो इसका सबसे लो मॉडल होता है, इससे ऊपर जो एक्सी रिदम होता है, इसके अंदर ये गाड़ी लगभग 19,000 किलोमीटर चली हुई है। और इसमें जो अपने रोहित भाई हैं उसको सेल कर रहे हैं, तो उनसे एक बार रिव्यू करते हैं कि भाई ऐसा क्यों सेल कर रहे हैं, क्या उनको ऐसी प्रॉब्लम आई है, और इसके अंदर मतलब कि उनसे बात करेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। इसको लास्ट मतलब छः मंथ उनको गाड़ी को चलाते महीने हुए हैं, तो इसके अंदर क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और जो मतलब कि इसका जो बेसिक जो ओनर एक्सपीरियंस होता है वो उनसे पूछेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा इसमें। इनमें एक दो प्रॉब्लम मतलब जो बताई जाती है टाटा की साइड से, इसके गियर प्रॉब्लम होती है, और इसमें जो एवरेज मतलब इसकी लगभग ये 19 से 20 की एवरेज देती है, फिर भी इतनी बढ़िया एवरेज देने के बाद भी सेगमेंट में सबसे मतलब बेस्ट एवरेज इसी की है, फिर भी वो सेल क्यों कर रहे हैं, तो उनका एक मतलब कि रिव्यू करेंगे। और इसका आपको मैं एक बार वॉक अराउंड करा देता हूँ। गाड़ी बिल्कुल अनटच गाड़ी है इसका, आप देख सकते हैं इसमें अलॉयज वगैरह कुछ नहीं आते, इसमें स्टेपनी कवर कुछ नहीं होता, गाड़ी बिल्कुल अनटच है। गाड़ी है HR 26 नंबर, गुड़गांव नंबर ये है, इसमें रजिस्टर्ड है ये, आप इसका वो क्राउन देख सकते हैं। और इसमें आपको स्पीडोमीटर में दिखा सकता हूँ इसको गाड़ियों के, एक बार इंटीरियर देखें आप, इसका एक ऐसा इंटीरियर है बेस मॉडल का आप देख सकते हैं। और इसका स्पीडोमीटर आप देखें, ये 19,498 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, और इसकी जो एवरेज है वो मैं आपको दिखा दूंगा कितनी है, आप देख सकते हैं ये 16.5 की एवरेज दे रही, मतलब कि ये लगभग 17 की एवरेज दे रही है भाई। अब मतलब कि इसको भाई को एक सप्ताह हो चुका है ये मार्केट के अंदर ही मतलब चला रहे हैं, भाई ऑन हाईवे चले ही नहीं है, तो उसके बाद ये मतलब 17 की एवरेज दे रही है, बहुत ही बढ़िया एवरेज है। ब्लेनो से लगभग मतलब कि मारुति की जो एवरेज देते हैं उनसे भी बढ़िया एवरेज गाड़ी दे रही है। फिर भी इनको ऐसी क्या प्रॉब्लम आई जो इनको मतलब गाड़ी सेल करनी पड़ रही है, एक बार आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं गाड़ी का, बिल्कुल ऑल ओरिजिनल है, पन्नी भी नहीं उतरी भाई 6 महीने गाड़ी को खाली। और इसका जो मतलब कि राइड क्वालिटी है वो भी ही बहुत ही शानदार है, मैंने ये चला के देखी गाड़ी, इसका आपने मेरे पास ब्लेनो है वैसे, ये गाड़ी बहुत सेफ्टी वाइज, इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो बात ही नहीं करेंगे भाई, 5 स्टार इसको मतलब कि स्कोर किए हुए गाड़ी ने, बहुत ही जेन्युइन गाड़ी ये लगती है ये। तो एक बार अपने जो रोहित भाई है उनसे एक बार रिव्यू करते हैं कि भाई उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम लगी। तो एक बार जो हम अपने रोहित भाई से एक बार मिलवाते हैं जिनका मतलब कि जो ये गाड़ी के ओनर हैं इनका। हाँ जी रोहित भाई, कैसे आप भाई? बढ़िया, आप बताओ। बस मैं भी बढ़िया। तो भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई भाई इस गाड़ी के अंदर जो आपको 6 महीने के अंदर इतनी बढ़िया एवरेज के अंदर मतलब बिल्ड क्वालिटी इतनी बेस्ट है सेगमेंट के अंदर, फिर भी आप इसको सेल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई प्रॉब्लम तो मैं कहूँ गाड़ी में कुछ भी नहीं है, मतलब एक छोटा सा जो फील करता हूँ मैं इशू, अगर स्विफ्ट वगैरह चलाता हूँ तो थोड़ा पिकअप का डिफरेंस फील होता है, बाकी प्रॉब्लम ऐसी कुछ गाड़ी में 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्ट के मामले में गाड़ी चलाने के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है, लेकिन भाई गाड़ी जो मैंने 6 महीने पहले ली थी तब सिनेरियो अलग था, लॉकडाउन था, रनिंग कम थी, यूट्यूब मैंने शुरू नहीं कर रखा था, उसके बाद ही शुरू किया था, तो अब 6 से 7 महीने 8 महीने हो गए, अब सिनेरियो बदल गया है, रनिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और भाई जैसे जैसे मेरी रनिंग बढ़ी ना, आप ही लगा लो सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ठीक है। तो अब भाई गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्पीडोमीटर में दिखाएंगे तो गाड़ी जो है लास्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर प्लस से गाड़ी मेरी 19 से 20 का माइलेज दे रही है, 20-21 ये अभी जस्ट ट्रैफिक में चली है पिछले एक हफ्ते से, तो 20 के नीचे आ गया, नहीं तो 21-22 का माइलेज चल रहा था, मतलब ऑन एसी ऑफ एसी हाईवे प्लस लोकल रनिंग थी उसमें। तो गाड़ी में गाड़ी के हिसाब से माइलेज के अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं है कैसी भी, जो दिक्कत है भाई वो ये पेट्रोल के प्राइजेज जो 100 रुपए के पार जा रखे हैं, और दूसरी बात रनिंग जो है वो 100 किलोमीटर प्लस हो गई है पर डे, 100 से 120 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, मतलब ओवरऑल किसी दिन गाड़ी 50-60 किलोमीटर चल गई, किसी दिन 80-100 किलोमीटर, तो हफ्ते में गाड़ी लगभग जो है वो 500 से 600 किलोमीटर चल रही है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि इसमें पिकअप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता था कि इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन है, हाँ हाँ। फिर मतलब कि आपने ये टाटा एल्ट्रोज ही क्यों ली, मतलब ब्लेनो भी है स्विफ्ट भी है उनमें पिकअप मतलब बहुत बढ़िया है, उसका जो वेट लगाए उनमें इससे मतलब कि टाटा एल्ट्रोज का ज़्यादा वेट है और उनका कम वेट है, तो हाँ। पिकअप में बहुत बढ़िया गाड़ी, फिर आपने वो क्यों नहीं ली? भाई टाटा की गाड़ी जो भी ओनर होंगे ना आप पूरे हिंदुस्तान में पूछेंगे, सबसे पहली बात आती है सेफ्टी को लेके, मतलब
आप बेफिक्र होके गाड़ी चलाओ, चाहे आप नेक्सोन ले लो, इवन चाहे आप टियागो लोगे, वहाँ पे भी आपको 4-स्टार रेटेड मिल रही है। और आपने खूब फोटोज़ भी देखी होंगी भाई, टियागो गाड़ी के अंदर घुस जाती गाड़ी बैठ जाती है, टियागो टिगोर एल्ट्रोज़ इनमें कुछ भी नहीं होता, मतलब माइनर स्क्रैच आते हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट जो चीज़ रहती है वो है सेफ्टी। बट भाई आई थिंक अब मेरे को सेफ्टी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास जो CNG में ऑप्शन है वो भी हुंडई में है या फिर मारुति में है, और भाई दोनों की सेफ्टी कोई खास नहीं है, और टाटा के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन भाई जब चलाने के लिए ही मतलब रकम नहीं रहेगी, एक तरह से आप सोच सकते हैं, जब पेट्रोल झिलेगा ही नहीं, जब गाड़ी चलेगी नहीं, तो क्या सेफ्टी करेगी और क्या चीज़। अभी भी मेरी मतलब प्रायोरिटी सेफ्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं मारुति की जगह मैं हुंडई पे स्विच करूँ, ओरा या फिर नियोज पे, या मे बी आई कैन गो फॉर अ डीजल कार। डीजल के लिए मैं जा सकता हूँ जिस तरह से मेरी रनिंग है, लेकिन CNG पंप की अवेलेबिलिटी अपने नियर बाय इतनी ज़्यादा है कि मैं मतलब CNG गाड़ी ही देख रहा हूँ। और मेरा मेन रीज़न वो है, वो पेट्रोल के प्राइजेस को लेके, गाड़ी के माइलेज से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपके व्यूअर को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपकी रनिंग अगर 40-50 किलोमीटर या उससे कम है तो ही आप एक गाड़ी लेने की सोचे, तो ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं या फिर कॉन्टैक्ट करें जतिन भाई को गाड़ी को लेके। जस्ट अभी मैं प्राइस भी एक बार बता ही देता हूँ, तो गाड़ी भाई अभी ऑन रोड जो है वो लगभग स्टेट टू स्टेट थोड़ा डिफरेंस मिल जाएगा, नहीं तो ऑन एवरेज 6.5 लाख रुपये की पड़ रही है टाटा एल्ट्रोज XE। ऑन एवरेज लगभग 6.5 लाख की पड़ जाती है, और अगर राजस्थान है या कोई और RTO है तो थोड़ा और महंगी पड़ सकती है, मतलब ऑन एवरेज आपको 6.40 से 6.50 तक की पड़ जाएगी। और मैं जो गाड़ी की भाई डिमांड कर रहा हूँ, अगर आपको गलत लगे तो बताना, 7 महीने हुए हैं गाड़ी को, प्रॉपर हाईवे रनिंग है, आपने भी चला के देखी है, गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है, ऑल ओरिजिनल है, बम्पर टू बम्पर आप देखेंगे माइनर स्क्रैचेज ज़रूर है लेकिन बाकी ऑल ओरिजिनल है। गाड़ी में मैंने वैसे कोई काम कराया नहीं कि भाई आफ्टर मार्केट कोई सस्ता काम करा लिया, किसी कोई भी गाड़ी लेगा अपने आप खुद काम कराएगा अपनी मर्जी का अपनी तसल्ली का। जो गाड़ी की भाई मेरी तरफ से डिमांड है वो है तो मतलब एक आप ये भी तो कर सकते हैं ना, आपके पास ये भी तो ऑप्शन था कि भाई आफ्टर मार्केट CNG जाके लगवा सकते थे भाई, बिल्कुल आपने क्यों नहीं किया? बिल्कुल ऑप्शन था भाई, अपना चैनल है कार इन्फोमेनिया, वहाँ पे अल्ट्रोज की CNG ओनर की वीडियो भी अपलोडेड है। लेकिन मेन रीज़न ये है, गाड़ी में बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, गाड़ी में 3 सिलेंडर इंजन है। तो जब मैंने भी CNG डीलर से कांटेक्ट किया, वैसे भी कांटेक्ट में रहते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कोलैब करते हैं CNG और डीलरशिप के साथ, तो उनका भी यही रिस्पॉन्स था कि आपको रेंज इसमें मतलब CNG वैसे तो कामयाब हो जाएगी, लेकिन रेंज इसमें आपको 200 किलोमीटर है उससे ऊपर नहीं मिलने वाली है, गाड़ी चलेगी 160-170 किलोमीटर मैक्सिमम। तो स्विफ्ट की लगाई जाए तो मतलब वो अराउंड चल जाती है 230 किलोमीटर CNG भाई, चल अगर जाती है। आप मारुति स्विफ्ट में या मारुति बलेनो में लगाते हो तो वो ऑलमोस्ट आपको 28-30 किलोमीटर पर केजी की माइलेज देती है, लेकिन यहाँ पे आपको 21-23 किलोमीटर पर केजी की माइलेज। अच्छा, तो आप मतलब इसमें अब सेल कर रहे हैं इस गाड़ी को, ठीक है, बट अब जो आप गाड़ी लेंगे वो मतलब नई ही गाड़ी लेंगे सेकेंड हैंड, या आफ्टर मार्केट जाना पसंद करेंगे, या कंपनी फिटेड? भाई ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मतलब रहती है लोगों को कि भाई मैं लो मॉडल लेके बिल्कुल बेस मॉडल लेके उसमें आफ्टर मार्केट जाके CNG लगवा लूं, तो थोड़ा ये कंफ्यूजन आप बहुत दूर करें, क्योंकि आपने वीडियोस बनाई हुई है इस टॉपिक के ऊपर, तो ये थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूजन जो लोगों को रहता है उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं इसके भाई बारे में। यहाँ पे एक तो सबसे पहले डाउट मैं ये दूर करना चाहूँगा, आजकल जो आफ्टर मार्केट CNG किट आ रही है काफ़ी सही आ रही है, और आपको मतलब डरने वाली ज़रूरत नहीं है। जो पहले सिनेरियो होते थे गाड़ी में आग लग जाती थी, हो जाता, आपको पता है, व्यूवर्स को भी पता होगा, अब ये चीज़ें सुनने में नहीं आती। तो जो कन्फ्यूजन है, प्रायोरिटी सबकी रहती है कि आप कंपनी फिटेड गाड़ी लो, लेकिन भाई कंपनी फिटेड में ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो आपको जाना चाहिए आफ्टर मार्केट की तरफ भी, आप जा सकते हैं। अब कई स्टेट में क्या इशू आ रहा है, CNG पासिंग नहीं है, लेकिन हरियाणा में 2021 वेरिएंट पे भी CNG पासिंग हो रही है, काफ़ी वीडियोज़ अपलोडेड आपको मिल जाएंगी, मेरे भी चैनल पर मिल जाएगी। तो एक तो डाउट ये है, एक तो मन में दिमाग में ये चीज़ भी चल रही है कि मैं बलेनो नहीं निकलवा के, बलेनो या स्विफ्ट, स्विफ्ट तो बहुत ही हल्की पड़ जाती है, बलेनो फिर भी थोड़ी ठीक है इन कंपैरिजन अगर हम स्विफ्ट देखें, तो बलेनो लेके उसमें आफ्टर मार्केट CNG लगवा लूँ, या फिर ऑप्शन वही है वैगनार या फिर हुंडई ओरा, यही ऑप्शन बचते हैं। नियोज का इसलिए नहीं है, नियोज और ओरा के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, वहाँ पे आपको सेडान है, प्रॉपर आपको स्पेस मिल जाता है डिग्गी में, आप घूमने उमने जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो काफ़ी स्पेशियस गाड़ी पड़ जाती है नियोज के कंपैरिजन में ओरा। तो मेरे ऑप्शन यही चल रहे हैं, तो मेरे को भाई फिलहाल गाड़ी बेचने में भी कोई जल्दी नहीं है, 10-15 दिन 20 दिन महीने भर में, जैसे ही मेरे को पर्सन मिलता है जो कि उसको भी कोई नुकसान ना हो, मुझे भी नुकसान ना हो, उस पर अगर डील बनती है तो मैं गाड़ी को सेल आउट कर दूंगा। और अभी मैं जो मारुति जो ओनर है मतलब कि जो आफ्टर मार्केट लगवाते हैं उनको इतना कुछ फेस करने को मिलता नहीं है, क्योंकि जो मारुति के जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा मतलब कि महंगे होते नहीं है, वो अरेंज कर सकते हैं, मतलब कि अरेंज कर सकते हैं आफ्टर मार्केट जाके, मतलब कि कुछ भी मिल सकते हैं। टाटा के पार्ट है जो हुंडई के पार्ट्स है वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो
आप मतलब कि जो भी मैं ये बोलना चाहूंगा, जो भी आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं वो मारुति की गाड़ी को ले और वो ही आफ्टर मार्केट जाके सीएनजी लगवाए, वरना टाटा एल्ट्रो मतलब कि जो भी मतलब टाटा के हैं आई टू उसके होंडाइज के हैं वो पार्ट थोड़े महंगे मिलते हैं और उनकी जो सर्विस भी कॉस्ट होती है वो भी थोड़ी मतलब कि उनसे ज्यादा होती है, तो आप मारुति को प्रेफर करें कि हाँ भाई उनको ले और उसको आफ्टर मार्केट जाके लगवाए। क्योंकि पॉइंट क्या है कि मारुति गाड़ी में सबसे ज्यादा फेवर करती है सीएनजी के, क्योंकि मारुति काफी सालों से दे रही है और फोर सिलेंडर उसमें इंजन आता है तो गाड़ी कम है इसकी वजह से थोड़ा सक्सेस ज्यादा माइलेज हो जाती है। बिल्कुल, तो भाई इसका लास्ट वो यही बात रहेगी कि भाई गाड़ी सेल कर रहे हैं, इसका रीजन मेन इन्होंने बता दिया कि इनकी रनिंग ज्यादा है, तो पेट्रोल में इसकी एवरेज ये भी नहीं कि ज्यादा खराब एवरेज है, इस गाड़ी की एवरेज बहुत बढ़िया है, मतलब कि ऑन हाईवे ये आराम से 20 से 21 की एवरेज, ऑन हाईवे तो भाई आपको 22-23 तक दे देगी। अच्छा, इको मोड में आप चलाएंगे तो जब लोकल में गाड़ी आती है वहां पे गाड़ी की माइलेज आती है 17-18-19, तो 17-18-19 लोकल के हिसाब से भाई मेरे को तो काफी सही लगती है। अच्छा, तो मतलब कि एवरेज तो बहुत बढ़िया गाड़ी की, फिर भी मतलब कि भाई की रनिंग अराउंड डेली की लगाई जाए तो 60-70 किलोमीटर इतनी भाई ऑन एवरेज, मतलब अगर हफ्ते का निकाला जाए तो लगभग लगभग 100 किलोमीटर 80-100 किलोमीटर पर डे हो जा रही है रनिंग। अच्छा, और पेट्रोल प्राइस आपको पता ही है सबको। हाँ, तो ये मतलब कि ये भाई अपनी मतलब कि ये पेट्रोल में गाड़ी है तो इनको सेल करके ये गाड़ी मतलब सीएनजी की लेना चाहते हैं, तो अब मतलब कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके वीडियो भी डालेंगे, इनके साथ जाएंगे जब ये गाड़ी लेने जाएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल उनके साथ जाएंगे, तो कौन सी गाड़ी लेंगे उसके बारे में भी, इन्होंने क्यों ली और इसका जो मेन चीज है गाड़ी की प्राइस के बारे में, भाई ने मतलब सीधा सीधा 1.5 लाख गाड़ी के जो प्राइस है वो तोड़ दिया, इन्होंने मतलब जो गाड़ी ली थी 640 की ली थी और अब बता रहे हैं ये मतलब ऑन सेल इनका जो लास्ट प्राइस रहेगा 5 लाख का रहेगा। आप मतलब कमेंट कर सकते हैं और जो मैंने भाई का जो चैनल है उनका भी मैं इनमें लिंक डाल दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में, और जो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है उनके भी आप मतलब कि मैसेज कर सकते हैं उसके लिए, मतलब कुछ भी इसके बारे में पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। बेझिझक आपको गाड़ी मतलब टाटा की कैसी लगती है उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मतलब चैनल को भाई सब्सक्राइब करें। मेरे पास ब्लेनो गाड़ी है, इसकी जो टाटा एल्ट्रोज की राइड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है नहीं, फीचर्स भी बहुत ही ज़बरदस्त दे रखे हैं इसके अंदर, तो इसको मतलब कि ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं।